मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब प्रयास करें। प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अभियान हो सकता है और वह अभियान है प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए। हम लोगों ने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश के अंदर प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए एक आदेश जारी किया है और मैं आह्वान करूंगा कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो, इसके लिए हम सबको लग करके कार्य करना चाहिए। इस ऐलान के बाद 15 जुलाई से यूपी में 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलिथीन बैन हो गई है। खास बात यह है कि इस बार सिर्फ ऐलान ही नहीं, एक्शन भी शुरू हो गया है। ये यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। आज से यूपी में यूपी सरकार ने 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। योगी सरकार के ऐलान के साथ ही अफसर और कर्मचारी भी एक्शन में हैं। सरकार के एक्शन को देखकर दुकानदार भी डरे हुए हैं। देखिए, लखनऊ पुलिस इस मुहिम का और इस कानून का पूरा समर्थन करती है और हमारी भी जो पुलिस की फैमिलीज हैं, लाइंस में हैं, पुलिस परिवार हैं इतने जुड़े हुए, उनको भी मैं कहता हूँ कि आप लोग प्लास्टिक के यूज़ को समाप्त करें। आप जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि जूट है, कपड़ा है और कागज़ के बैग्स होते हैं, इनके अब आप अपने इसको तौर तरीके में लाएं, इनको इस्तेमाल करना शुरू करें। नहीं, अभी सुबह से तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि कहीं पे पॉलीथीन पड़ी हुई हो, और आई थिंक लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। अगर सरकार चाहती है, लोग चाहते हैं कि पॉलीथीन बननी बंद हो जानी चाहिए, सो एक अच्छी चीज़ है। नहीं, मुझे आज तो कहीं नहीं देखा सुबह से लेके। मेरी खाने पीने की दुकान है, जिस दिन से ये पन्नी बंद हुई है 15 तारीख से, हमने उसी दिन से हटा दिया है। हाँ। और ये थैला वगैरह ये हमने सब चालू कर दिया है और ये बहुत अच्छा हुआ जो पन्नी बंद हो गई। सरकार बनने के बाद योगी सरकार ने रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है। यूपी में 15 जुलाई यानी रविवार से 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलिथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले चरण में शहरों में पॉलिथीन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, यूपी पॉलिथीन बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है। यूपी में पॉलिथीन के निर्माण, बिक्री, भंडारण पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथीन बनाने और बेचने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान भी किया गया है। 10,000 से 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 माह तक की जेल भेजने का प्रावधान किया गया है। इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार छापामारी का अभियान शुरू हो गया है। बता दें, इसके पहले दिसंबर 2015 में अखिलेश सरकार से सूबे में पॉलिथीन के कैरी बैग्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अखिलेश इस नियम को कड़ाई से पालन नहीं कर पाए थे। भ्रष्टाचार के चलते पॉलिथीन खुले बाजार में बिकती रही, लेकिन इस बार योगी सरकार ने पूरे प्लान के तहत पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही पॉलिथीन के कारोबारियों को सीधी चेतावनी दी है कि इस बार सुधर जाओ, नहीं तो खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, भारत तक।